लिए विशेष तौर पर पहली बार हम लोगों ने सुना है ईवीएम के रखवाली के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए, आपको नियुक्त किया गया है प्रतापगढ़ में, तो क्या ये अलर्टनेस है आपका या कोई गड़बड़ी हो रही है वास्तव में? देखिए, यह दोनों है, गड़बड़ियां भी हो रही हैं और हम लोगों की अलर्टनेस भी है। भारतीय जनता पार्टी का संविधान में और कानून में, लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं रहा और इसीलिए चुनाव के समय जो ये नहीं होना चाहिए वो अक्सर आप देखे हैं कि हो रहा है। मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ कि जब इलेक्शन संपन्न हो चुका है तो आप कहीं सोनभद्र में, कहीं बनारस में, कहीं प्रतापगढ़ में, अभी प्रतापगढ़ में कल ही की घटना है, आप जो बॉक्स लेकर के पहुंचा रहे हैं ईवीएम के लिए, तो पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कैंडिडेट्स को कि देखिए ये ईवीएम के लिए रखने के लिए बॉक्स ले जाया जा रहा है। आप बगैर किसी को सूचना दिए इस तरह के मूवमेंट नहीं करा सकते। नहीं, एक बात, जैसे अंदर गड़बड़ी होती है, आरोप लगते हैं, हीराम सिंह इतने ऑटो से हरा दिए गए, फला हरा दिए गए, ये देखना, तो इसको कैसे निपटेंगे आप? देखिए, आप लोगों को हम बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो एजेंट हैं मतगणना के लिए उसमें लगभग 6 वकील हैं और अगर किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी की जाती है तो वहाँ प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे और कोई भी सूचना वहाँ से बाहर आने में समय नहीं लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो भी हथकंडे अपना रही है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। हमारा सवाल ये था कि अंदर कैसे रखाएंगे आप मतगणना के टाइम में, जो आरोप लगते हैं कि हरा दिए गए, इससे कैसे निपटेंगे अंदर? पूरा प्लान बता दीजिए आप। ये उससे निपटने के लिए ही हम अपने एजेंटों को प्रशिक्षित किए हैं और उसमें 6 वकील भी रखे गए हैं और प्रत्याशी ऑलरेडी वहाँ मूविंग करेंगे। अगर किसी भी तरीके की कोई घटना होती है तो वहाँ से वो आकर के बाहर बताएंगे नहीं, भाई जो आपके प्रत्याशी हैं वो आकर के जानकारी देंगे नहीं कि यहाँ ये गड़बड़ी की जा रही है, तो उस तरीके से फिर हम लोग उसकी रणनीति बनाए हुए हैं। प्रतापगढ़ में अभी तक कुछ हुआ है क्या? प्रतापगढ़ में मैंने पहले भी बताया कि अभी केवल एक घटना कल की है और उसको डीएम महोदय को अवगत करा दिया गया है कि इस तरह का कोई भी एक्शन आप लेंगे चुनाव मतपेटियों से संबंधित, तो पहले आप प्रत्याशियों को या उनके जो